नमस्कार एंड वेलकम टू ग्लोबल एलिवेटर एकेडमी। आज हम लोग मॉड्यूल 4 पे बात करेंगे। आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ बेसिक एलिवेटर नॉलेज के बारे में थोड़ा सीख रहे थे और उसी के दौरान आज हम मॉड्यूल 4 पे आ गए हैं, अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लिफ्ट। और उसके अंदर आज ये हम बात करेंगे लेसन 1, ये पार्ट 1 है उसका, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसके बाद लेसन 2 है बेसिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लिफ्ट और व्हाट इज अ लिफ्ट मशीन। तो आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, सो दैट वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो हम समझेंगे कि ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हमने आपने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमने नॉर्मल एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट के बारे में बात किया था और उसमें ट्रैक्शन अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो ये कैसे इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, वो सब बातें हमने करी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि बेसिक कोर्स है तो बहुत ज़्यादा हम लोग टेक्निकल डिज़ाइनिंग में नहीं जा पाए। तो ये आज हम उसी सीरीज़ में हम लोग आज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लिफ्ट के बारे में उसके कंसेप्ट को समझने के लिए बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लिफ्ट में है, आपको मालूम ही है, पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया कि ये काउंटर वेट ऐड हुआ केबिन के साथ, जो कि एक डेड वेट है, उसको बैलेंस करने के लिए केबिन के वेट को। और पुराना जो सिस्टम था ड्रम वाउंड, उसमें मोस्टली जो पुलियाँ होती थी वो सिंगल ग्रुप पुली थी, और ड्रम के ऊपर वैसे मल्टी ग्रुप होते हैं बट वो बेसिकली एक सिंगल पुली की तरह ही काम करता है। अब जो मेन चेंज हुआ ट्रैक्शन में वो ये हुआ कि जो पुली है वो मल्टी ग्रूव हो गई। इसमें देख रहे हैं यहाँ पर 3 ग्रूव है ये पुली में, और जो मेन पुली है जिसके थ्रू सारी लिफ्ट चलती है उसको शीव बोल लेते हैं, पुली ना बोल के हम लोग उसको शीव बोलते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये मेन मेन पुली है, जो रनिंग पुली है जो लिफ्ट को चलाती है। तो ये करीब करीब कुछ ऐसा सा सिस्टम बनेगा। ये कार है, ये वेट डेड वेट है, ये कार का अपना लाइव लोड है जो अंदर पैसेंजर्स होंगे, ये काउंटर वेट है, ये मेन शीव है, और एक ये डाइवर्टर पुली है। तो अभी आपके पास अब एक लिफ्ट कार है एक एंड पे रोप के, और एक एंड पे काउंटर वेट है, और रोप जो है वो मल्टी ग्रुप पुली के ऊपर से होके चलती हैं। और ये जो पुली है या जो इसको हम शीप बोल रहे हैं, ये रोटेट करती है विद द हेल्प ऑफ ए मोटर, जिसके अंदर मोटर के साथ एक गियर बॉक्स भी हो सकता है और ब्रेक भी हो सकता है। वैसे आजकल गियरलेस मोटर भी आ गई है बट बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा, ब्रेक रहेगी, मोटर रहेगा, गियरलेस होगा। तो अगर गियर्ड मोटर है तो मोटर, गियर बॉक्स और ब्रेक रहेगा। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का कंसेप्ट है, ये वर्क करता है ट्रैक्शन फोर्स के ऊपर। अब ये ट्रैक्शन फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब स्टील रोप्स जो हैं वो एक मल्टी ग्रुप पुली के ऊपर से पास होती हैं, तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है रोप और शीव के बीच में, तो उसको ट्रैक्शन बोलते हैं, उस फोर्स को, जिस जो कि इसको मूव करने के लिए, लिफ्ट को मूव करने के लिए हेल्प करता है। दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग यू नो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, इट इज़ बीइंग अप्लाइड हेयर इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लिफ्ट्स।
अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमको फिर एक एनालॉजी में जाना पड़ेगा उसको इजी करने के लिए कि ये एक्चुअली कैसे काम करता है। बहुत सिंपल है, हमारी अपनी लाइफ में से एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको इसको कंसेप्ट को समझने में बहुत हेल्प करेगा। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आपको मालूम ही है कि जब आप रोड पे चलते हैं तो कैसे चलते हैं, और फॉर्चुनेटली और ये बड़ा अच्छा है कि जब आप रोड पे चलते हैं तो सेम प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिंग ट्रैक्शन फोर्स इज यूज्ड व्हेन यू वॉक ऑन ए रोड। तो आपने देखा कि जब आप रोड पे चल रहे हैं तो ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ आपको लगता है और आगे आपको ये ट्रैक्शन फोर्स मिलता है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स आपके पैरों और ज़मीन के बीच में डेवलप होता है। कभी कभी आपने देखा होगा जब रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ हो या उस पर कोई पानी गिरा हुआ हो या मिट्टी हो पानी के साथ या कोई ऑयल पड़ा हो तो क्या होता है, तो आपको मालूम ही है कि स्लिप हो जाते हैं आप गिरने का डर हो जाता है। तो कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तो शायद आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम हो गया और ट्रैक्शन एकदम से बढ़ गया। फ्रिक्शन कम होने से ट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है, तो जब फ्रिक्शन कम हुआ और ट्रैक्शन बढ़ गया तो अनकंट्रोलेबल हो गया वो ट्रैक्शन और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और आप गिर गए। या कभी आपने नोटिस किया हो कि रोड जो है बहुत रफ हो या टूटी फूटी हो तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। फ्रिक्शन बढ़ गया तो ट्रैक्शन अगेन कम हो गया और कम ट्रैक्शन में भी आपको जर्क लगेंगे या आपको झटका लगेगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी या आप चल नहीं पाएंगे ठीक से, रुक रुक के चलना पड़ेगा, झटके लगेंगे। सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से ये रिलेशन बिटवीन रोप एंड शीप में काम करता है। अब आपको फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए काम करने के लिए। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो भी गुजारा नहीं है, ज़्यादा हो गया तो भी अच्छा नहीं है। तो ये जो फ्रिक्शन है बिटवीन मशीन का जो शीप का ग्रूव है और उसका जो रोप है स्टील का, उसके बीच में जस्ट एनफ होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो इफ़ यू जनरेट राइट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन तो वो उससे राइट अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन जनरेट होएगा, तो वो आपको फोर्स में कन्वर्ट कर देगा उसको और रोप जो है चलेगी फिर उसके ऊपर। कभी कभी आपने देखा होगा कि लिफ्ट के ऊपर जब कोई गलती से ऑयल डाल दे रोप में या शीम में तो रोप स्लिप करने लगती है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम हो गया तो ट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो भाग जाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसको, तो स्लिप हो जाएगी रोप, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा लिफ्ट में स्लिप, और नीचे भी भाग सकती है, गिर सकती है लिफ्ट। या कभी कभी आपने देखा होगा कि रोप बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएं या वॉर्न आउट हो जाएं तो भी यू नो शीव में फंस जाती हैं वो, और या शीप प्रॉपरली अलाइन नहीं हो जब तो वो इंक्रीज हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा, तो भी वो लिफ्ट स्टार्ट गिविंग जर्क्स और वो ठीक से चलता नहीं है। तो रोप जो है वो शीप तेज चलती है और रोप स्लो चलती है, तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है, अनकंट्रोलेबल रहेगा तो वो चलेगा नहीं। तो लिफ्ट जो है अपनी पूरी स्पीड पे नहीं चलेगी और दिस इज़ नॉट अ हेल्दी सिचुएशन। सो यू कैन सी दैट राइट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ट्रैक्शन इज एसेंशियल टू रन द लिफ्ट, इसके बगैर लिफ्ट चलेगी नहीं। बिल्कुल सही अमाउंट का एक ट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए। नाउ द सवाल अब ये आता है, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये कैलकुलेट कैसे होगा कि राइट अमाउंट क्या है, किसको राइट अमाउंट बोलेंगे। सो अगेन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन द स्टडी ऑफ डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लिफ्ट्स।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है अपने आप में। दिस रिक्वायर्ड वेरी गुड नॉलेज ऑफ फिजिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसको समझने के लिए आपको फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अच्छा नॉलेज ज़रूरी है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लिफ्ट्स में अभी। लेकिन चूंकि ये कोर्स हम बेसिक एलिवेटर नॉलेज का है, तो हम लोग इसमें ये डिज़ाइनिंग का पार्ट अभी यहाँ कवर नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी फॉर टाइमिंग या अभी तक आपको समझने के लिए काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा कि ये फोर्स क्या है। अगर आपको ये इंटरेस्ट हो और आपकी क्वालिफिकेशन सही हो, तो आप एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस डिज़ाइन कोर्स होता है हमारे पास एक अकेडमी में, जिसमें कि आपको पूरी डिज़ाइनिंग समझाई जाएगी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लिफ्ट्स की। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग अपनी बेसिक जो नॉलेज है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है एडवांस कोर्स को करने के लिए। एडवांस कोर्स करने का फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपका बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो। ये फाउंडेशन बना देगा एक एडवांस कोर्स के लिए आपका। आप एट दिस पॉइंट ये बस इतना आप समझें कि ये ट्रैक्शन और इसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन लिफ्ट्स में, वो ज़रूरी है। इस समय आप समझ सकते हैं कि जो एलिवेटेड डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं उनके पास एक्सपर्टाइज है, स्किल है टू कैलकुलेट दिस ट्रैक्शन फोर्स। उनके लिए उनको लोड लिफ्ट में कितना लेना है, स्पीड कितनी है, ट्रैवल कितना हाइट जाना है, हाइट कितनी है, वो सब आपको हमको देना पड़ता है। ये बेसिक डिटेल है जो ये जिसको कैलकुलेशन करने के लिए उनको चाहिए। इट इज़ अ वेरी टीडियस काइंड ऑफ कैलकुलेशन। थोड़ा सा टीडियस है ये कैलकुलेशन। मैं ये तो नहीं कहता बहुत मुश्किल है, बट थोड़ा सा टीडियस है। अब दिक्कत क्या है कि बहुत कम इंजीनियर हैं जो ये कैलकुलेशन कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस अब रही नहीं कैलकुलेशन करने की। सबको रेडीमेड सॉल्यूशंस मिलते हैं तो वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं। और दूसरा कि ये कैलकुलेशन अब मैनुअली करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया, क्योंकि हमको मैनुअल कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस भी नहीं रही अब। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनमें ये हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर है डिगी पारा, ये हम लोग इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं एकेडमी में, ग्लोबल एलिवेटर एकेडमी में। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको इसके बारे में भी जानकारी देंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है ये वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है दुनिया का, बहुत एडवांस्ड है और एलिवेटर डिज़ाइनिंग के लिए। सब कंपनियां, मोस्ट ऑफ़ दी कंपनी जितनी भी आप दुनिया में देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनी, सब इसको यूज़ करते हैं। ऑल्टेस, शिंडलर, कोने, थाइसन। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये नंबर आपको पता है, स्क्रीन पे भी आपके पास फ्लैश कर रहा है। तो हम लोग इसका डिगी पारा का एक फ्री ट्रायल वर्जन है जो हम देते हैं, बट वो सिर्फ एलिवेटर कंपनीज के लिए है। वो इंडिविजुअल्स को नहीं हम दे पाएंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स के काम का नहीं है। ये जो कंपनी है वो जब एलिवेटर डिज़ाइन करते हैं उन्हीं के लिए ज़रूरी है, और ये बहुत महंगा है, तो इसलिए इंडिविजुअल्स के लिए ये थोड़ा संभव नहीं होगा देने के लिए। तो आज आपने देखा कि ये हम लोगों ने आज ये पार्ट वन में हमने ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी, फ्रिक्शन और कंसेप्ट को। थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है कि हो गया होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो कृपया हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर आप इसको डालें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो बाय बाय फॉर टाइम बीइंग, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, सुरक्षित तरीके से काम करें। बाय बाय।